मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है जहां हर कोई अपनी आवाज उठा सकता है, चाहे फिर वो किसी के खिलाफ ही क्यों ना हो। ऐसा ही हुआ मध्य प्रदेश की प्रीति मिश्रा के केस में। दरअसल 13 मई को मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में पुलिस को सूचना मिलती है कि साजकुई पंचायत के ग्राम मड़ाल ढाना के एक आदिवासी परिवार के घर में शादी की जा रही है, जिसमें 200 से ज्यादा लोग शामिल हुए हैं। शिकायत मिलते ही तहसीलदार मनोज चौरसिया और तामिया थाना प्रभारी प्रीति मिश्रा अपनी टीम के साथ शादी रुकवाने मौके पर पहुंचते हैं, लेकिन पुलिस के समारोह स्थल पर पहुंचते ही विवाद शुरू हो जाता है। प्रशासन की ओर से बताया जाता है कि जिस दौरान अधिकारी ग्रामीणों को समझा रहे थे, बातों को ना समझकर उल्टा हुए उन पर भड़क गए और टीम पर हमला कर दिया, जिसमें थाना प्रभारी प्रीति मिश्रा, ड्राइवर, नायब तहसीलदार और तहसीलदार के दोनों ड्राइवर घायल हो गए। वहीं इस मामले पर असंगठित कामगार कांग्रेस के जिला अध्यक्ष वासुदेव शर्मा ने प्रीति मिश्रा पर आरोप लगाते हुए कहा कि तामिया टीआई प्रीति मिश्रा जूते पहने शादी की पूजा स्थल में घुस गई, दुल्हन को लात मारी और शादी के लिए आदिवासी परंपरा के अनुसार तैयार किए गए देवी देवताओं के स्थल को भी जूते से रौंद दिया। वहां मौजूद महिलाओं को भद्दी भद्दी गालियां दी, जिनका उन्होंने विरोध भी किया, लेकिन उनका गुस्सा यहीं शांत नहीं हुआ। प्रीति घर के अंदर गई, जहां उन्होंने खाना खा रहे लोगों को भी मारा, उनके खाने की प्लेटों को बिखेर दिया। शर्मा ने प्रीति मिश्रा पर आरोप लगाते हुए कहा है कि घटना के दौरान मौजूद प्रशासन के दूसरे अधिकारी लोगों को समझा रहे थे, जिसे लोग शांति से सुन भी रहे थे, लेकिन हिंसा प्रीति मिश्रा के उत्पादन मचाने के बाद शुरू हुई। वासुदेव शर्मा ने मामले की निंदा करते हुए कहा कि घटना की जो वीडियो फोटो और रिपोर्टिंग सामने आई है, वह पुलिस प्रशासन की ओर से जारी की गई एक तरफा और आधी अधूरी जानकारी है। सच बात तो यह है कि जो आदिवासी ठीक से थाना प्रभारी के सामने खड़े नहीं रह सकते, वो बेचारे हमला क्या करेंगे। उन्होंने प्रशासन से अपील करते हुए कहा है कि गिरफ्तार निर्दोष ग्रामीणों को रिहा किया जाए। गौरतलब है कि जनपद तामिया के ग्राम साजकुई के मराल ढाना में बुधवार की रात विवाह कार्यक्रम में जबरदस्त हंगामा हुआ था, जो विवाद अब तक रुकने का नाम नहीं ले रहा है।